हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल है। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्म 13, इनकम टैक्स में ये फॉर्म 13 TDS या TCS के लिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए यूज किया जाता है। कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका ईयर टू ईयर TDS डिडक्ट किया जा रहा है, TCS जो है वो डिपॉजिट किया जा रहा है आपके पैन कार्ड पे, और आपकी इनकम उतनी सफिशिएंट नहीं है या फिर लॉस आ रहा है, और आप हर साल इनकम टैक्स का रिफंड अप्लाई करते हैं, फिर रिफंड में आने में टाइम लगता है। हालांकि वो रिफंड जो है इंटरेस्ट के साथ आता है, बट लेकिन फिर भी आपको अगर देखा जाए तो एक साल के लिए आपका जो फंड है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। तो उसी के लिए फॉर्म 13 फाइल करना होता है ऑनलाइन ट्रेसिस की वेबसाइट पर। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका थ्रू आउट द ईयर वैलिड रहता है। तो बेसिकली इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप एसेसिंग ऑफिसर से ये कंफर्म करवा के लेते हैं कि अब ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हमें दे दी जाए, ताकि हम इसको जो हमारे वेंडर्स हैं उनको हम ये इशू कर दें कि वो हमारा जो TDS है वो स्पेसिफाइड रेट, जैसे 1%, 2%, 10%, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेट होते हैं, तो उससे डिडक्ट ना करें, या कभी कभी हायर रेट भी होता है 20% का। तो इस सर्टिफिकेट में जो रेट लिखा जाएगा उसी के बेस पर जो आपके सामने वाले वेंडर हैं इस सर्टिफिकेट का रेफरेंस लेते हुए उतने ही TDS या TCS जो है वो डिपॉजिट करेंगे। उससे ये होगा कि आपके फंड ब्लॉक नहीं होंगे। काफी सारे केसेस में आप नील रेट का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एक तरह से ही आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि कोई भी पार्टी आपका TDS या TCS डिडक्ट ना करे। ट्रेसिस की वेबसाइट है, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड एंड यूजर पर टैक्स पेयर रजिस्टर कर लेना है। इसका प्रोसेस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट नेम एंटर करके वेरीफाई करके डिटेल्स प्रोसीड करनी है। जो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है उस पर डिटेल वेरीफाई करा के पासवर्ड लॉगिन क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के थ्रू मैं फॉर्म डायरेक्ट आपको बताऊंगा। पूरा फॉर्म ऑनलाइन ही है और काफी इजी सा फॉर्म है, 2 मिनट का प्रोसेस है। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप इसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टेटमेंट में यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 13, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां से कंफर्म किया जाएगा आपसे कि आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं या बिना डिजिटल सिग्नेचर के। तो डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, उस केस में आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है वो पैन कार्ड बेस्ड होता है। ठीक है, तो पैन नंबर से ही आपको लॉगिन करना है एज ए टैक्स पेयर। फिर आपको यहां से सेलेक्ट करना है जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसके बेस पर ही फॉर्म में काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि स्पेसिफाइड, जैसे रेजिडेंट के लिए अलग होते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए अलग और नॉन रेजिडेंट के लिए अलग। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, एग्जेम्पशंस भी हैं जो कि मिलती है स्पेशल केस में। तो इसके बाद जो है आपको इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 197 एंड 206 सी के अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है। तो उसमें कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पर एक इनको रीड कर लीजिएगा। बाकी जब मैं फॉर्म फाइल करूंगा तो पूरी डिटेल्स आपको बताता रहूंगा। DSC वाला पॉइंट मैंने आपको बताई दिया था, ईमेल पे और जो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू मोबाइल OTP आएगा उसके थ्रू भी फॉर्म को वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप आपको चेक करनी है, ओरिजिनल पे क्लिक करना है, ईयर, क्योंकि ये करंट ईयर के लिए ही, जिस साल के लिए आपको फॉर्म लेना है उसी के लिए वैलिड रहता है। ईयर खत्म होने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, मतलब सेपरेट ईयर्स के लिए आपको सेपरेट सेपरेट फॉर्म लेने होते हैं। फिर इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो है आप ट्रैक रिक्वेस्ट में जाकर कभी भी फॉर्म का जो स्टेटस है, जैसे अगर आपने मिड में फॉर्म ब्लॉक कर दिया है या अभी कुछ डिटेल्स पेंडिंग है, तो वहां से आप रिक्वेस्ट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ये फॉर्म आपके सामने इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो का मेन पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से आप जो है जिस भी स्टेट में आपका पैन कार्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो पैन कार्ड में आपका एड्रेस है उसी एड्रेस के जो आपका मेन स्टेट है उसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है फॉर्म असेसिंग ऑफिसर वेरीफाई करते हैं, तो यहां पर जो जुडिशनल AO है उसके पास ही ये फॉर्म जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप यहां सेलेक्ट करेंगे स्टेट तो वही वाला कीजिएगा जो जहां पर आपका पैन कार्ड जो भी जुडिशनल AO है। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहां पर आपको लिखना है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी आ रही है अभी,
मतलब इसी पर्टिकुलर ईयर के लिए वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे कि क्या क्या डिटेल्स इसमें, जो आपके टैक्स की डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड की गई है, अमाउंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांस टैक्स, कोई आपने एडवांस टैक्स जमा किया है का, ध्यान रखिएगा ये इस साल के लिए कंफर्म किया जा रहा है, पिछले साल का यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। तो ये वाली चीजें जो पॉइंट बाय पॉइंट अगर अवेलेबल है तो आप लिख दीजिएगा, वरना जीरो रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर टू विच पेमेंट सिलेक्ट, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमने करंट ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम, तो ध्यान रखिएगा ये एस्टिमेटेड टोटल इनकम है करंट ईयर के लिए, क्योंकि इसके बाद में एस्टिमेशन बेस आपको कंप्यूटेशन भी अपलोड करनी है, एक्सेल फॉर्मेट में बना लीजिएगा, अभी मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा, वो अपलोड होगी। तो आप जितने भी आपके इनकम के हेड्स हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम, उन सभी की इनकम को अलग अलग उसमें दिखाना है, तो उसका टोटल करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो जो टैक्स है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एडवांस टैक्स को पेमेंट करने के प्रोविजन है, अगर आपने पे किया हुआ है तब तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट अगर पे नहीं किया हुआ उस केस में टैक्स की वैल्यू इंटरेस्ट के साथ आएगी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इनकम क्लेम टू बी एग्जेम्प्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, अगर कोई इस टाइप की इनकम है तो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर इसके बाद आएगा डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड कलेक्टेड, वो वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है। देन उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको टीडीएस के लिए लोअर डिडक्शन लेना है या टीसीएस के लिए, उसके बेस पर ही फॉर्म नेक्स्ट जो है ओपन होगा। देन उसके बाद यहां पर आपको वो सेक्शन यहां पर शो करेंगे जिसके लिए आप ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मैंने टीडीएस सेलेक्ट किया तो उसी के सेक्शन यहां पर दिखा रहा है, उनके रेट्स भी दिखा रहा है कि एक्चुअल रेट इस सेक्शन में इतने हैं, जो टीडीएस के प्रोविजंस है आप देख रहे होंगे सबके लिए अलग अलग रेट यहां पर लिखे गए हैं। तो जो आपकी इनकम है वो किस हेड में कवर होती है वो आपको यहां से चेक करना होगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपका किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करता है। सपोज कीजिए हम यहां पर बात करें रेंट की, तो यहां पर 10% का रेंट एप्लीकेबल है, 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो आपका जो वेंडर है उसका यहां पर आपको 10 नंबर लिखना है। और फिर उसके बाद यहां पर सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन में आप ये लोड डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो 194 IA IB, तो IA हमने ले लिया तो उसके हिसाब से यहां पर रेट आ जाएगा, तो जो रेट है IA का वो 2% है और IB का जो है वो 10% है। तो अब यहां पर हम चाहते हैं कि 2% जो रेट है उससे कम का, यानी कि 0.5% या 1% या निल रेटेड भी आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट यहां पर आपको 10 नंबर जो है मेंशन करना होगा सामने वाले पर्सन का। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए हम कोई भी 10 ले लेते हैं। उसके बाद इस पर्सन से टोटल कितनी एस्टिमेटेड इनकम एक्सपेक्टेड है वो यहां पर आपको एंटर लिखनी है कि आपने इनको सप्लाई ऑफ सर्विस की है और ये बदले में आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, तो कितनी इनकम इस रेवेन्यू से जनरेट होने वाली है वो आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड लिख देनी है करंट ईयर की। मतलब अगर 22-23 की बात करें तो 22-23 या आप जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसी साल की इनकम यहाँ पर लिख दीजिएगा, वो XYZ कोई भी अमाउंट हो सकती है। फिर उसके बाद लिखिएगा कि किस रेट से आप चाहते हैं, कि इसमें 0 रेट से चाहते हैं या फिर 1% से, वो डिसाइड होगा जो आपके फाइनेंशियल्स हैं, लास्ट 3 ईयर्स में आपने कितना रिफंड क्लेम किया है, इस पार्टी से कितना काम किया है, तो ये जो है। फिर उसके बाद एड बाई एड रो आप करते जाइएगा, तो ये मल्टीपल्स कितने भी 10 नंबर के लिए लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया और सभी वेंडर के लिए वह अप्लाइड होगा, ये जो फॉर्म है लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट है ये पर्टिकुलर वेंडर वाइज ही अप्लाइड होगा, तभी तो जब ये वेंडर अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे या टीसीएस की रिटर्न फाइल करेंगे, तो जब आपका ये लोअर डिडक्शन में कम रेट से टीडीएस डिडक्ट कर रहे होंगे तभी इनकी कोई भी डिमांड नहीं जनरेट होगी और इनकी रिटर्न सक्सेसफुली वैलिड होगी। अगर आपने इनका 10 नंबर गलत लिख दिया या किसी दूसरे 10 को यूज कर लिया फिर इनके ऊपर डिमांड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो रेट है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिसाइडेड होते हैं और सेक्शन में अलग अलग रेट भी लिखे गए हैं। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके सामने इस टाइप की एक विंडो आएगी, बस ये लास्ट पेज है, यहाँ पर ही अब डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो यहाँ पर लिस्ट वाइज सारे डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर टेम्पलेट है, इस पर क्लिक करना है
और ये आपकी कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड इनकम है इस साल की। तो यहां पर आपको वैल्यू लिख देनी है कि टोटल ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर कितनी है सारे हेड्स ऑफ इनकम के मिला के, फिर अलग अलग हेड्स की इनकम जो भी अगर एप्लीकेबल है वो आपको लिख देनी है, अदरवाइज जीरो यूज करना है। फिर उसके बाद टोटल इनकम आ जाएगी, उसमें से कोई डिडक्शन लेस करनी है, टैक्सेबल इनकम आ गई उस पर जो टैक्स है वो अप्लाइड आ गया। फिर 115 जेबी के अंडर में जो प्रोविजंस है टैक्स के उसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, जहां पर मैट की या एएमटी की लाइबिलिटी आती है मैट के अकॉर्डिंग कितना आपका टैक्स बनता है, फिर उसमें से मैट का जो क्रेडिट है वो लेस हो जाएगा। ग्रॉस टैक्स पेबल उसमें से 89 की कोई रिलीफ है वो इंटरेस्ट ऐड करना है, टोटल टैक्स पेबल आपका यहां पर आ जाएगा। उसमें से फिर यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर वो वैल्यू लिखनी है कि इस एस्टिमेटेड इनकम पर जो आपका एक्चुअल में टीडीएस या टीसीएस या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद यहां पर लिखनी है आपको रिफंड की अमाउंट कि अगर ये एक्चुअल रेट से डिडक्ट किया जाता है तो मेरा यहां पर रिफंड बनेगा, जो कि मैं कई सालों से कंसिडर करते आ रहा हूं और रिफंड क्लेम करते आ रहा हूं, वो पॉइंट आपको यहां पर दिखाना है। फिर उसके बाद वैल्यू एंटर करके और यहां पर सबमिट कर देनी है, ठीक है। मैं अभी यहां पर जैसे 1 रुपीज ले लेता हूं और जो मेन वैल्यूज हैं अपनी वो मैं एंटर कर लेता हूं, अदरवाइज ये सेव सबमिट का बटन यहां पर एनेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहां पर आपको पिछले सालों की इनकम एंटर करनी है, देखिए प्रीवियस 4 इयर्स की इनकम को यहां पर एंटर करना है, टेम्पलेट पर क्लिक करना है, ये आपके सामने प्रीवियस 4 इयर्स आ जाएंगे। इस पर एक एक साल पर क्लिक करके, और वही फॉर्मेट आ रहा है क्योंकि आप करंट ईयर का कर रहे हैं, तो ये तो आपकी फाइनल है, जो इनकम आपकी फाइनल इनकम हो चुकी है ऑलरेडी उनकी डिटेल्स यहां पर एंटर करनी है। किसी एक साल की अगर लेटेस्ट ईयर की बात करें, उस साल की अगर नहीं है तब आप एंटर कर दीजिएगा प्रोविजनल बेस पर, लेकिन ये फाइनल फिगर आपको यहां पर एंटर करनी है। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये आ गया। फिर उसके बाद जो ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है उसी को ही आपको प्रिंट करके यहां पर अटैच भी करना है डिटेल्स फिल करते हुए। उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, वो लिस्ट में सारे पेपर्स आप अरेंज करके रखिएगा। ये जो फॉर्म अपलोड किया जाता है विद इन 30 डेज में इसका एसेसिंग ऑफिसर को या तो इसको एक्सेप्ट करना होता है या फिर इसमें कोई अगर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रेज करनी होती है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अरेंज करके रखने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है साइन फॉर्म 13। फॉर्म 13 ही अभी यहां पर जनरेट होगा, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आपको सेव कर लीजिएगा। लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न एक्नोलिजमेंट की कॉपी, अगर कोई लास्ट 3 ईयर्स में असेसमेंट ऑर्डर पास हुए हैं वो, उसके अलावा जो है जहां पर बिजनेस और प्रोफेशन अगर आपकी नेचर ऑफ इनकम है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद करंट ईयर की प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर्स की और एस्टिमेटेड करंट ईयर के लिए, पैन कार्ड की कॉपी और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो भी जितनी भी पार्टीज है उनकी एक लिस्ट, कंप्लीट ईटीडीएस रिटर्न की जो आपने फाइल की हुई है अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी आती है, लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न की कॉपीज, करंट ईयर की एस्टिमेटेड इनकम और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके नेचर ऑफ इनकम को प्रूव कर सकें। जैसे आपने लिखा कि 4 नेचर्स ऑफ इनकम है, तो कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो कि इस पिछले सालों में ना रही हो और करंट ईयर में आ रही हो जिसकी वजह से ये टीडीएस की लाइबिलिटी ज्यादा बन रही हो। एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको समझा दिया, पूरा प्रोसेस बता दिया, अब बस यहां पर अटैचमेंट्स लगा के और नीचे क्लिक करना है, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। एक एक्नोलिजमेंट नंबर जनरेट होगा, फिर आप ट्रैक स्टेटस में जाकर कभी भी उसको ट्रैक कर सकते हैं यहां से कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। जो सर्टिफिकेट है वो आपको मेल भी आ जाएगी कि आपको सक्सेसफुली अलॉट हो गया है, और वो सर्टिफिकेट आप जो है डाउनलोड में से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड करना है, बट ये कंप्लीट प्रोसेस था फॉर्म 13 को फाइल करने का। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बेस पर आप अपने जो ब्लॉक क्रेडिट अमाउंट है उसको आप वैल्यू को कम कर सकते हैं। एक तरह से आपका अमाउंट ब्लॉक्ड हो रहा है, सामने वाले पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, मंथली टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर वो आपके 26S में शो कर रहा है, बट आप पूरे एक साल बाद ही या फिर जब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आती है तब आप रिटर्न फाइल करके फिर उसके रिफंड के लिए भी एक टाइम लिमिट होती है, तो उस टाइम पीरियड में आपका जो फंड है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। उसी के लिए फॉर्म 13 बनाया गया है। एसेसिंग ऑफिसर फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही ये सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी के अपडेट्स और उसके अलावा फाइलिंग प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूट्यूब पर सीएफ निंजा के नाम से चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।